देखिए लाइफ में तो संघर्ष चलता रहता है, लेकिन हाँ हम उस दौरान कई ऊंचाइयां भी छू लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा जो एक टारगेट होता है शायद उस लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक हमको लगता है कि हमने कुछ अचीव नहीं किया या हमको मिला नहीं। लेकिन सच्चाई यही होती है कि हमको कुछ बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाती। जहाँ तक स्ट्रगल किया मैं कहूँगा तो स्ट्रगल ही जीवन है, मतलब जो संघर्ष ही जीवन जिसको बोलते हैं लोग, तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें रही हैं। मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में मैं भोजपुरी सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। हो सकता है मैं खुश ना हूँ, लेकिन भविष्य में जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे यार आपने तो बहुत कुछ पा लिया, ऐसा है वैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे पाना है वो नहीं मैंने मुझे अभी मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। रही बात जो मेरी एंट्री हुई है, तो एंट्री इतना ज़्यादा मुझे मतलब तकलीफ दे नहीं थी, क्योंकि मुझे आने के साथ ही एक वर्षों में ही मुझे लगता है कि अजय सिन्हा जी जिन्होंने फिल्म बनाई थी ससुरवाड़ा पैसा वाला, जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, उन्होंने मुझे चांस दिया था जिस फिल्म का नाम था दुल्हनिया नाचना चाहे। उस दौरान से मुझे लोगों ने पसंद किया कि अच्छा दिखता है, अच्छा लड़का है, जो भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आई बीच में कि मान लीजिए फिल्म नहीं चली किसी कारण बस, तो वो डायरेक्ट आप लोगों को मालूम है हीरो के ऊपर आता है, कुछ एक नेचर काउंट करते हैं लोग। मुझे मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि मैं आजमगढ़ जो ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे एक अतरौलिया विधानसभा है और गांव का नाम है सुल्तानपुर, तो मैं उस सुल्तानपुर गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है, तो मैंने अपना 23-24 साल लगभग वहीं पर गुजारे हैं। जो मेरा नेचर है थोड़ा सा दबंग स्टाइल का है, जिसको कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने अलग वे से सोचा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा वो नेचर है, ना कि मैं दिल से ऐसा नहीं हूँ। तो मुझे उसका भी नुकसान हुआ, मतलब लोगों को लगा कि यार ये आदमी सही नहीं है, लेकिन जो काम करते थे वो लोग कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करते थे कि यार बंदे में दम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो लोग बोलते थे कि नहीं उसका नेचर अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जब आप मिले नहीं तो आपने नेचर कैसे डिसाइड कर लिया किसी के बारे में, आप नहीं बोल सकते। तो मेरे साथ दुर्भाग्य ये रही है बातें कि मेरे नेचर पर ज़्यादा खेला गया है, ना कि विक्रांत सिंह के मतलब कि उस टैलेंट को लोगों ने ज़्यादा सोचा या देखने के लिए आए। नर्वस मैंने बोला ना, नर्वस मुझे बातें सुन के हुई, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे जाना चाहिए, बल्कि मैं और मजबूत होता चला गया। नर्वस मैं हुआ हूँ, नर्वस कहाँ हुआ, जहाँ पे ये बातें सुनने में आई कि उसका एटीट्यूड ऐसा है, मतलब आपको मतलब टैलेंट आपका पीछे रह जाता है और आपका एटीट्यूड आगे हो जाता है, और जो बेवजह, तो वहाँ पे नर्वस हुआ कि ये कैसे हो गया, ये गलत हो रहा है कि आपकी सिनेमा मतलब ऐसे एक एटीट्यूड की वजह से आपके हाथ से चली गई, तो वो गलत लगता था, वो बुरा फील करता था, जिसमें मैं अपनी मम्मी से बात करता था या पापा से भी, लेकिन मैं एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग हूँ इस मैटर में, बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे आई एम ए फाइटर, मुझे लोग फाइटर बोलते हैं। अभी लेटेस्ट फिल्म जो आई थी प्रेम लीला, जो काफ़ी सक्सेस रही है, आने वाले समय में बहुत सारा प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, एक्शन पैक फिल्में करने जा रहा हूँ, जिसमें जय श्री राम फिल्म है एक, और नथुनिया पे गोली मारे 2 है, और भी हो सकता है मुन्ना बजरंगी 2 भी बन जाए। हाँ, मेरी स्टोरी ऐसी नहीं रही क्योंकि मेरे फादर ने सपोर्ट किया, मेरी मदर ने सपोर्ट किया, मुझे सारी फैमिली ने सपोर्ट किया है। मेरे फादर यहाँ पे छोड़ के गए मुझे, मेरे साथ ऐसा कुछ ऐसा नहीं रहा कि मैं भाग के आया या फिर रेलवे स्टेशन पे सोया, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैं अपने पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एक्टर बनना है तो उसी चीज़ को अपने फादर को, अपनी मदर को, अपने माँ बाप को, उनको कन्विंस करिए, उनको प्यार से कि मतलब मैं यही कर सकता हूँ, अदरवाइज़ कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे माँ बाप को मालूम था कि एक्टर ही बन सकता है, अदरवाइज़ ये कुछ नहीं कर सकता है। आइडियल देखिए बॉलीवुड में हैं मेरे ऐसे बहुत सारे, एक नाम हमेशा हर एक कोई ले लेता है, इसका नाम है सलमान खान। सलमान खान ने बहुत कुछ, मुझे लगता है कि उनके साथ दुर्घटनाएँ हुई हैं, उस चीज़ उस दौर को कोई याद नहीं करना चाहता है, लेकिन मैं उस टाइम से उनका फ़ैन रहा हूँ जिस समय से लोग उनको बहुत कुछ उलटपटांग बोलते थे, आज तो खैर मतलब एक अलग मुकाम है। ऋतिक रोशन को मैं बहुत पसंद करता हूँ, रणबीर कपूर को पसंद करता हूँ, अक्षय कुमार को पसंद करता हूँ, और इनको देख के मुझे बहुत एनर्जी मिलती, खासकर अक्षय कुमार को, क्योंकि अक्षय कुमार ने जिस हिसाब से अपने आप को चेंज किया, सारी चीज़ें जो लाए हैं वो, और आज इंडस्ट्री में बंदा बहुत ऊपर, मतलब जिसको बोले तो एक सर्वे सर्वा बोल सकते हैं अक्षय कुमार को। मेरे लिए तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अक्षय कुमार को लेके, क्योंकि मैं बहुत पहले से पसंद करता था अक्षय कुमार को, तो अक्षय कुमार भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा है। हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं अपने मेरा जिस विद्यालय से मैं पढ़ के आया हूँ, जहाँ से मैंने एक्चुअली मैं रंगमंच जिसको मैं जानता हूँ, वो मैं सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, मैं मेरे रामनंद मौर्य जी जो आचार्य जी थे,
उनके जरिए मुझे लगता है कि मैंने कला को जाना, कला से बहुत कुछ मैं जुड़ा, और ख़ासकर मेरे फादर और मेरी मदर भी, मेरी सिस्टर भी, इन लोगों को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। कुछ एक मेरे मित्र हैं जो समझ जाएंगे इस चैनल के जरिए कि मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा, उन्होंने मुझे बुरे वक्त पे सपोर्ट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।